है। देखिए साथियों, आज के वीडियो का कोई मुख्य हम हेडिंग लाइन नहीं रखे हैं। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो सातवीं चरण शिक्षक बहाली से रिलेटेड रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, आज के वीडियो का कोई मुख्य हम हेडिंग लाइन नहीं रखे हैं। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो सातवीं चरण शिक्षक बहाली से रिलेटेड रखते हैं। देखिए साथियों, आज का सारा पॉइंट लिखा गया है, चलिए इसको देखिए और सभी बातों को एक एक करके समझने का कोशिश कीजिए। आपको बता दें साथियों कि आपको पता होगा कि जुलाई के अंतिम माह अगर और अगस्त के फर्स्ट वीक में सातवीं चरण शिक्षक बहाली प्राथमिक का नोटिफिकेशन आना तय है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिए हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी तक रेडी करने में लगे हुए हैं, और जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है वह अवेलेबल करना बहुत ही ज़रूरी होगा आपको नोटिफिकेशन से पहले। ऐसे में अगर आप यह नहीं जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने एक फ्रेश वीडियो बना दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर से देखिएगा। पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में, और आगे आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज के वीडियो में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं, सारा का सारा पॉइंट इस पर बोर्ड में लिखा गया है और आज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वह मिक्स हो सके। देखिए, बिहार सेवन्थ फेज शिक्षक बहाली जो प्राइमरी प्राथमिक के लिए है, उसके लिए हम स्पेशली आज बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि पिछले दिन एक फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक पोस्ट किया गया था कि बिहार में कुल अगस्त माह में प्रारंभ होगी 165,000 शिक्षकों की बहाली। 165,000, उसमें सबसे पहले बताया गया कि 125,000 प्राथमिक शिक्षकों की जो है वह बहाली की जाएगी बिहार में। यह नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। 125,000 के अलावा जो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बहाली आएगी वो उसका अलग फंडा है, उसके लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी उसके लिए। चलिए आपको बताते हैं कि अभी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बन के रहा है कि जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं उसके मन में कहीं ना कहीं यह संशय की स्थिति पैदा हो रही है कि अगर कहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट फर्जी डोमिसाइल बनाकर बिहार में अप्लाई करेंगे तो वह भी एप्लीकेबल होंगे और कहीं ना कहीं जो भीड़ होगी वह बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा एक पत्र निर्गत करके बताया गया कि किसी भी हालात में अगर कोई भी अदर स्टेट के जो निवासी हैं बिहार के डोमिसाइल बनाते हैं, बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है वह बनाते हैं, उसके लिए अलग से बहुत ही कठोर कानून कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए पूरे जीवन में नौकरी, सरकारी नौकरी एक सपना बनकर रह जाएगा। ऐसे में अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आप संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका जॉब केवल बिहार के लिए ही, आपका ज़िंदगी नहीं बना है जॉब के लिए। आप अप्लाई कीजिए, आप अपने स्टेट में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि इससे पहले सिक्स फेज में आपके लिए मान्य था, अप्लीकेबल था, आपने फॉर्म भरा था, लेकिन अगर इस बार क्राइटेरिया लगा दिया गया है, अगर आप किसी न किसी गलत ढंग से घुसते हैं बिहार में अप्लाई करने के लिए तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं, यही पॉइंट है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं उसके लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट का जो निवास प्रमाण पत्र है वह निर्गत नहीं किया जाएगा। अदर स्टूडेंट का निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अब बात आई निवास प्रमाण पत्र का, तो हम तीनों का बात कर लेते हैं, जाति, आवास और आय। जाति, आवास और आय, इसकी सारा का सारा प्रक्रिया जान लेते हैं, यह कहाँ से बनवाना उचित होगा, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। और आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं, जो भी महिला हैं जिनका शादी बिहार में हुआ है, वह कहां से यह सारा डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, और जो फीमेल अभ्यर्थी है जिनका शादी नहीं हुआ है वह अपना आय प्रमाण पत्र
में आय जो इनकम है किनका शो करेंगे। चलिए आपको बताते हैं, सारा का सारा एक एक करके मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जाति आवास और आय वह कहाँ से बनवाना उचित होगा। आपको बता दें जाति आवास आय जो है वह तीन लेवल पर बनता है, पहला तो ब्लॉक स्तर, दूसरा अनुमंडल स्तर और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका क्वेश्चन था कि सर क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनवाना उचित होगा या कहीं से भी बनवाएंगे तो वैलिड होगा। लेकिन आपको बता दें साथियों, यह तीनों जगह से आप अगर बनवाते हैं, ब्लॉक स्तर से या अनुमंडल स्तर से या डिस्ट्रिक्ट स्तर से, तो आपका तीनों वैलिड होगा। अगर आप ब्लॉक स्तर से बनवा लिए हैं तो आप निश्चित टेंशन फ्री हो जाइए, आपके लिए यह एप्लीकेबल होगा और आप ब्लॉक स्तर से बनवा सकते हैं लो लेवल पर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इस तीनों का वैलिडिटी कितना होगा। सबका वैलिडिटी अलग अलग है, इसको देख लेते हैं। जाति का वैलिडिटी बोले तो इसका अनलिमिटेड रखा गया है क्योंकि कास्ट किसी का जल्दी बदलता नहीं है। अब आगे देख लेते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी है वह निर्गत तिथि से एक साल आगे तक, मतलब कुल मिलाकर बोले तो एक साल तक आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी होती है। अब देखिए साथियों, आवास प्रमाण पत्र जो यहाँ पे दिखा गया है, आवास डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, इसकी भी जो वैलिडिटी होती है वह एक साल होती है। वैसे तो अनलिमिटेड होती है क्योंकि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपका निवास जो है अगर चेंज नहीं किए हैं तो आपका जो वही निवास रहेगा उसका कोई भी समय सीमा नहीं रहेगा, अगर चेंज किए हैं तो आपका नया बनवाना जरूरी होगा। आगे देख लेते हैं कि जो भी अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा अगर वह अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, तो अगर उसकी शादी बिहार में हुई तो जाति प्रमाण पत्र आपको बता दे, अगर कोई भी महिला है जिनका शादी हो गया है वो अपने पैतृक स्थान से बनाएंगे, अपने पिता के घर से, क्योंकि आपका जहाँ पर जन्म हुआ है आप वहीं से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ऐसा वैलिड माना जाता है। आगे देख लेते हैं आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनाएंगे। अगर देखिए साथियों, आप मेल अभ्यर्थी हैं और आपका कोई ना कोई इनकम स्रोत है, आप स्लिप लगाकर अपना नाम का बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने पिता का नाम का बनाइए। अगर महिला अभ्यर्थी है जिनका शादी नहीं हुआ है वो अपने पिता का नाम का बनवाएंगे, और जो महिला अभ्यर्थी जिनका शादी हो गया है वह अपने पति का भी आय शो कर सकते हैं। ऐसे में बात आती है कि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पिता नहीं है, डेथ कर गए हैं, उस वह अपने पिता का आय प्रमाण पत्र कहाँ से देंगे, है ना, वो अपना पिता का आय कहाँ से शो करेंगे। तो ऐसे में आप अपने गार्जियन किसी का भी शो कर सकते हैं, अपने मदर का, माँ का, अपने ब्रदर का भी दे सकते हैं, या अगर आप खुद डिपेंडेंट हैं तो आप खुद का भी दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि आय प्रमाण पत्र कम से कम जो इनकम है वह कितना शो किया जाना चाहिए। आय में आप सभी को पता होगा कि अलग अलग स्रोत से आमदनी होती है, एक ईयरली इनकम माना जाता है, मांगा जाता है उसमें, तो आप कम से कम 85,000 का बनवा लीजिए, अधिक जितना भी बनवा सकते हैं बनवा सकते हैं। आगे देख लीजिए आवास प्रमाण पत्र, आप सभी को पता होगा कि इस बार डोमिसाइल लगा कर बहाली होगी और वह इसमें बिहार का मूल निवासी होना बहुत ही अनिवार्य है। बिहार के मूल निवासी नहीं है तो आप इस बार सातवीं चरण शिक्षक बहाली में वैलिड नहीं हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं साथियों, एक और पॉइंट है जिसको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, वह बीसी फर्स्ट हो या बीसी सेकेंड हो, वह ईबीसी हो या किसी मतलब बीसी सेकेंड हो, तो उसके लिए सीएल और एनसीएल बनता है जो भी ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं। तो आपको बता दें सीएल कौन अभ्यर्थी बनवाएंगे, इसको क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बोलते हैं और इसको नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब आपको बता दें कि नन क्रिमिलियर के लिए आपका जो अर्निंग है आय प्रमाण पत्र पर वो 8,00,000 से कम होना चाहिए। अगर आप 8,00,000 से आपका अर्निंग ज़्यादा है, ईयरली इनकम ज़्यादा है, तो आपका जो है यह सीएल क्रिमिलियर बनेगा, अगर 8,00,000 से कम है तो नन क्रिमिलियर बनेगा। साथियों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी कारण ज़्यादा बात को इंक्लूड नहीं किए हैं इस वीडियो में। वीडियो में तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।